आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल, मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए 10 क्लास का विभिन्न घन वस्तु संबंधी वास्तविक समस्याओं का 18 नंबर सवाल का समस्या सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को गलाकर एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया। दोनों का अर्धव्यास की लंबाई समान है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, एक शंकु को गलाकर एक बेलनाकार ठोस तैयार किया गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम एक शंकु बनाते हैं जिसका क्या क्या दिया है। इसका कहता है अर्धव्यास और इसी के आयतन के बराबर एक क्या बनाया गया है, एक बेलनाकार ठोस वस्तु बनाया गया। क्लियर। तो अब देखिए, इसका जो अर्धव्यास बता रहा है और इसका जो अर्धव्यास बता रहा है, दोनों का अर्धव्यास क्या है, सेम है। दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। परंतु इसका ऊंचाई दे दिया गया है। इसका ऊंचाई बोला जा रहा है कि इसका ऊंचाई शंकु का 15 सेंटीमीटर हो तो ठोस जो है बेलन का ऊंचाई कितना होगा। तो इसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी इसका जो हाइट है h वो 15 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि दोनों का क्या है, आयतन समान है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि तो इसी को गला करके बनाया गया, इसलिए इसका हाइट को h1 हम मान लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना है इसका ऊंचाई। तो लिखेंगे चित्रानुसार शंकु का आयतन आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का जो सूत्र है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, एच की जगह पर हम डायरेक्ट यहाँ पे 15 सेंटीमीटर डाल दिए। आप चित्र में देख लीजिए, आप भी चित्र बना के इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब जो है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चूंकि देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि दोनों का अर्धव्यास सेम है, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आर सेंटीमीटर ये भी है तो आर सेंटीमीटर ये भी है, तो इसलिए दोनों को बैठा देते हैं। अब इसको काटना चाहिए तो काट लेते हैं, 3 बार में कट गया। पाई को पाई से काट दीजिए, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से भी काट दीजिए। अब देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर निकल के आ गया, एच बराबर 3, अर्थात अर्थात बेलन का ऊंचाई बराबर 3 नहीं होगा, 3 से अगर काटते हैं तो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 का पहाड़ा में काट देंगे तो 5 आएगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर और इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब चले आते हैं सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिए। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु एवं एक ठोस गोलक के व्यासार्ध समान है। फिर वही बात आ गया, दोनों का अर्धव्यास समान है, लेकिन यहाँ पे कहता है एक गोली है एवं आयतन भी कह रहा है समान है। गोलक के व्यास की लंबाई एवं शंकु के ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। गोलक का व्यास लिया है तो व्यास यानी 2r और ऊंचाई इसका है h, तो इसका अनुपात कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या दिया है, देख लीजिए। 2 नंबर में दिया है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु है और एक गोलक है। ठीक है, दोनों का अर्धव्यास बोल रहा है, इसका भी आर है तो इसका भी आर है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का आयतन भी समान है। ठीक है, इसका ऊंचाई मान लिया जाए कि h है। ठीक है, चूंकि चूंकि शंकु शंकु का आयतन बराबर गोलक
का आयतन, ठीक है। अच्छा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, व्यास और ऊंचाई का आयतन, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात निकालना। तो यहाँ पे देखिए कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, पाई पाई काट देते हैं। अब देखिए ये 3/3 नीचे है तो इसको भी हम काट के हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा। तो एच बराबर क्या निकल के आया, 4r, ठीक है, एच बराबर 4r। लेकिन यहाँ पे जो अनुपात निकालना है वो क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, एक मिनट, तीन नंबर का है ना, दो नंबर का है। तो व्यास की लंबाई एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो व्यास तो 2r होता है, तो व्यास 2r अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं h, इसको हम r बटे h कर सकते हैं। तो r बटे h बराबर आ गया, कितना आ गया, r बटे h 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यास की लंबाई और शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो व्यास की लंबाई तो 2r होना चाहिए, तो 2r तो यहाँ आया नहीं, यहाँ पे r आया, ठीक है। तो इसको 2r लाने के लिए दोनों पक्षों में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 1/4 बराबर, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बोलिए, तो इसको काट लेंगे 2, ठीक है, या 2r डिवाइडेड बाय h बराबर 1/2। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2r:h बराबर 1:2, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि ये व्यास है और ये ऊंचाई है, क्लियर। अब चले आइए 3 नंबर का सवाल। देखिए 3 नंबर का सवाल हम किस तरह से बना सकते हैं। 3 नंबर में क्या बोला गया है पढ़ लीजिए पहले। समान व्यास और समान ऊंचाई वाले, देखिए जितना व्यास है उतना ही कहता ऊंचाई है, ठीक है, वाले ठोस लंब वृत्ताकार बेलन एवं ठोस लंब वृत्ताकार शंकु एवं ठोस गोलक के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो देखिए क्या क्या है, एक है समान व्यास है सबका, नीचे समान व्यास रहेगा और ऊंचाई भी सबका समान है। तो एक लंब वृत्ताकार बेलन है, एक शंकु है और एक गोली है। तो पहले बनाते हैं तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं, सबसे पहले एक बेलन है, ठीक है, गौर से देखिए तभी समझ में आएगा, एक बेलन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक शंकु है, देख लीजिए एक शंकु है, लेकिन देखिए समान ऊंचाई बोल रहा है और इसके साथ साथ समान व्यास भी तो बोल रहा है। ये ऊंचाई, इसका हाइट यही होगा, इसका भी हाइट यही होगा, ठीक है, ये h होगा, ये भी h होगा, और समान व्यास बोल रहा है तो ये r होगा, ये r होगा, और एक गोली है तो इस गोली का जो अर्धव्यास है वो भी वही होगा और इसका हाइट भी वही होगा। यानी इसका हाइट अगर गोली है तो इसका जो अर्धव्यास होगा उतना ही इसका क्या होगा, इसका ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि अब जब ऊंचाई हम जोड़ेंगे तो इसका यहाँ से लेकर के इसका ऊंचाई यहाँ तक का जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का इसका हाइट हमको 2r ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसका आयतन का अनुपात कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि व्यास की लंबाई बराबर है सबका और ऊंचाई भी समान है, ठीक है, तो इन सभी के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, अनुपात शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अनुपात गोली का आयतन, ठीक। तो बोलिए बेलन का आयतन कितना होगा,
बेलन का आयतन 1/3, एक मिनट, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बोलिए गोली का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही आयतन है। ठीक है, सबका आयतन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे आर क्यू दिया हुआ है तो आर स्क्वायर इसमें से एक एक ठो काट सकते हैं, पाई पाई पहले काट लीजिए, ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर भी काट लीजिए। यहाँ पे एक आर बचा हुआ रह गया, ठीक है, तो इसका जो आर बचा हुआ रह गया है तो यहाँ पे एच हुआ इसका हाइट, इसका भी हाइट है, अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं काटने के बाद आ गया है एच इस टू 1/3 एच इस टू आर, तो अब देखिए यहाँ पे एच है और यहाँ पे आर है तो इसको फिर आप काटेंगे कैसे। देखिए एच यहाँ किसके बराबर है, अगर हम गोलक से तुलना करें तो इसका जो 2R है वो एच के बराबर है, क्योंकि इसका जो हाइट है और इसका हाइट सेम है, जब सेम बता रहा है तो इसका जो 2R होगा वो एच के बराबर होगा और इसका भी एच के बराबर होगा, तब बताइए यहाँ पे 2R लिख सकते हैं, यहाँ भी 2R/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे R लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, R R को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आया 2:2 और यहाँ पे R है तो 4/3 भी तो है, ठीक है, 4/3 भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 3 है, इसको हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो 2:3 2/3 सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 6:2:4, इसको एक बार और काट लीजिए, कितना से कट जाएगा, 3:1:2, तो ये जो अनुपात आया है वही अनुपात क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात बेलन, शंकु और गोलक इनका अगर समान हाइट है तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो आयतन का अनुपात होगा वो 3:1:2 होगा, क्लियर। अब चले आते हैं नेक्स्ट सवाल में, देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, ये है फोर्थ नंबर सवाल, एक घन वस्तु, ठीक है, कि नीचे का भाग अर्धगोलक आकार का और ऊपर का भाग लंब वृत्ताकार शंकु के आकार का है, ठीक है, यदि दोनों भाग के वक्र तल का क्षेत्रफल समान हो, देखिए ध्यान दीजिए, वक्र तल का क्षेत्रफल समान हो तो व्यासार्ध एवं शंकु की उच्चता का अनुपात कितना होगा, यानी व्यासार्ध पूछ रहा है, अर्धव्यास पूछ रहा है और शंकु की ऊंचाई h पूछ रहा है, तो इसको भी पहले डायग्राम से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक घन वस्तु के नीचे का भाग क्या है, अर्धगोलाकार आकार का है, यानी इधर अर्धगोलाकार आकार का है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक शंकु बना दिया गया है इस तरह से, लेकिन कह रहा है कि दोनों का हाइट सेम है, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा है, शंकु के आकार का है, यदि दोनों भाग के वक्र तल, हाइट नहीं सेम है बल्कि वक्र तल का क्षेत्रफल कह रहा है समान है, ठीक है, तो व्यासार्ध और शंकु की ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई चलिए ये h हो गया, ठीक है, और ये चूंकि दोनों का बेस सेम है इसलिए इसका r होगा, तो इसका भी r होगा, और इसका जो ऊंचाई, इसका जो होगा ये अर्धव्यास ही होगा, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार शंकु का
पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर है अर्धगोलक, यहाँ पे अर्धगोलक हो जाएगा, अर्धगोलक के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर एल होता है। ठीक है, ये बराबर किसका है, अर्धगोलक के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो अर्धगोलक के पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr². ठीक है, यही है, पाई पाई काट दीजिए, आर भी काट दीजिए, एक ठो आर रह जाएगा। अब एल बराबर क्या आ गया, 2r। ठीक है, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल को लिख सकते हैं h² + r² अंडर रूट, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं h² + r² बराबर 2r² लिख सकते हैं, h² + r² बराबर 4r² लिख सकते हैं। ठीक है, अब r² को उधर भेज दीजिए, तो r² - r² और इधर रह गया h². अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है व्यासार्ध और शंकु के उच्चता का अनुपात, यानी r को पहले रखना है, h को बाद में रखना है। तो बाद में देखते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, कितना आता है, 3r² रखना। ठीक है, अब अगर r² / h² निकालेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, r² / h² को इधर कर लीजिए, 3 को इधर कर लीजिए। अब स्क्वायर जब हटा देंगे तब आएगा अंडर रूट 1/3, 1 का तो वर्गमूल जानते हैं, 1 ही होता है, इसको निकाल लीजिए और इसको रख दीजिए। तो अब बोलिए r और h के बीच में जो अनुपात आया है वो आया 1/√3, और यही क्या हो गया आंसर, क्लियर हो गया। तो 1:√3 इसका आंसर हो, क्लियर। अब आइए क्षेत्रमिति का लास्ट सवाल, ठीक है, इसको बना करके हम आप लोगों के सुविधा के लिए त्रिकोणमिति का वीडियो हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है वो आपका त्रिकोणमिति का टाइम आ गया है सिलेबस के हिसाब से, इसलिए हम त्रिकोणमिति का वीडियो इसके बाद से शुरू करेंगे, आप लोग उसको अच्छी तरह से देखिएगा और सीखिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन 5 का, देखिए एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास और एक ठोस गोलक के अर्धव्यास को की लंबाई समान है, मतलब दोनों का अर्धव्यास समान है। ठीक है, गोलक का आयतन शंकु के आयतन का दुगुना हो, मतलब गोली का आयतन जो होगा वो दो गुना होगा शंकु के आयतन से, तो शंकु की ऊंचाई एवं आधार के व्यासार्ध का अनुपात निकालें, यानी हमको शंकु का ऊंचाई अगर h मानते हैं तो h और r के बीच में अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है, कहते शंकु के आधार का अर्धव्यास और ठोस गोलक के अर्धव्यास का लंबाई समान है। तो फिगर में आप समझिए कि एक शंकु है, इसका अर्धव्यास r है, और एक गोली है, इसका भी अर्धव्यास r है, क्योंकि ये दोनों कह रहा है कि दोनों का अर्धव्यास समान है। ठीक है, और आयतन में लेकिन कह रहा है कि ये दो गुना है, यानी इसका आयतन जितना है इसकी अपेक्षा इसका आयतन दो गुना है। तो ये मान लिया जाए इसका हाइट h है और इसका अर्धव्यास r है, ठीक है, ये भी r होगा। तो प्रश्न के अनुसार शंकु का आयतन मल्टीप्लाई 2 बराबर गोली का आयतन, क्योंकि तुलना जब करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी जाके गोली के आयतन के बराबर होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाए r, तो दोनों का सेम है इसलिए r², ठीक है, 1/3 पाए r² h इंटू 2 कर लेते हैं, बराबर गोली का आयतन आप लोग जानते हैं 4/3 पाए r³। ठीक है, अब इसमें हमको ऊंचाई और आधार का
अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें देखें क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर अगर काटते हैं तो एक आर यहाँ बचता है, पाए पाए आप काट लीजिए और इसको काट लीजिए दो से, इस तरह से हम काट सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। तो एच बराबर कितना आ गया है, 2R का आ गया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ऊंचाई और आधार का अनुपात, यानी एच बटे आर निकालना है। बराबर कितना होगा, 2/1, ठीक है। और एच अनुपात आर बराबर 2:1, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आप इसे अच्छा से देखिए, दो बार करके देखिए ताकि आपको सारा सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो पुराने हैं वो मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना अधिक शेयर करिएगा उतना ही अधिक आप लोगों को लाभ होगा।